वेलकम बैक टू चैनल गाइस। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ इंडिया की मतलब जो मोस्ट लवेबल कार थी और इस गाड़ी का बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे सारे के सारे इंडियन। तो आज हमारे साथ है मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 जो कि एक बार बंद हो चुकी थी पर इसका फेसलिफ्ट आ गया फिर से। तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस कर रहे हैं मारुति ने इसमें, मतलब ये वाली ऑल्टो नहीं रही जैसे कि पहले आपको मिलती थी। एक बार इसका साइज चेक करो, नॉर्मली आपके मोबाइल को ऑल्टो है उसका साइज भी आप लोग चेक करो। तो मतलब बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस आ गया गाड़ी में। गाड़ी की हाइट बढ़ गई है, गाड़ी का बोनट हाइट जो है बढ़ चुका है, इंटीरियर में स्पेस बढ़ गया और गाड़ी की मेन चीज़ है गाड़ी का इंजन परफॉर्मेंस भी बढ़ गया। तो पहले आपको वही ऑल्टो 800 मिलती थी जो कि 800 सीसी में इंजन आता था, लेकिन ये जो K10 आपको मिल रही है इसमें आपको 1 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है जिसमें कि पावर प्रोड्यूस होती है आपकी तकरीबन 67 GHP। वही आपको इसका इंजन दिखा देता हूँ मैं। तो मारुति के अंदर है तो ऑब्वियस ही बात है रिफाइनमेंट इसमें बहुत अच्छी होगी। एक बार इसका इंजन चेक आउट करो। तो ये एक 1 लीटर का पेट्रोल इंजन है, ड्यूल जेट इंजन, मतलब जिसमें कि आपको बहुत ही अच्छी रिफाइनमेंट मिलती है और साथ ही साथ पावर भी काफ़ी अच्छी इनहेंस हो गई है गाड़ी में। 67 BHP और 89 Nm का टॉर्क अप्रॉक्स मिल जाता है इस गाड़ी में। तो बिल्ड क्वालिटी में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट होते हैं मारुति के, क्योंकि पहले वाली जो ऑल्टो थी मतलब थोड़ा सा हल्की लगती थी चलाने में, इस गाड़ी में काफ़ी अच्छा स्पेस इन किया। तो अब दिखाते हैं आपको गाड़ी का ओवरऑल लुक्स और इंटीरियर का डिज़ाइन। तो सबसे पहले आप लोग ये एक वाइट कलर ऑप्शन में आपको गाड़ी मिलती है, अभी रिसेंटली ये कार लॉन्च हुई है और ये इसका एक VXI वेरिएंट है, इससे ऊपर आपको एक VXI प्लस वेरिएंट मिल जाता है। तो ओवरऑल नो डाउट गाड़ी का साइज़ काफ़ी अच्छा इनहेंस हो गया है, गाड़ी में अच्छी खासी आपको स्पेसिंग मिल जाती है। अब तो फ्रंट से अगर बात करेंगे तो ये पूरा का पूरा आपको एक सिंगल टोन में मिल जाएगा, यहाँ पे एक ब्लैक रेडिएटर ग्रिल मिल जाती है, बाकी ये पूरा का पूरा वाइट टच में मिलता है। पहले आपको यहाँ पे एक ब्लैक कलर की अलग सी ग्रिल मिल जाती थी, यहाँ पे सुजुकी का लोगो, ये आपको कुछ हद तक ए स्टार की याद दिलाएगा, मतलब ये पूरा का पूरा आपका अपर एरिया जो होता है। तो ओरियंस की बात करेंगे तो मैट ब्लैक फिनिश में ओरियंस आपको मिल जाता है, ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल नहीं होंगे, टॉप एंड वेरिएंट्स में भी आपको ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल नहीं मिलते हैं। फेंडर पे आपको इंडिकेटर की पोस्टिंग मिल जाती है और हेडलैम्प असेंबली जो है पूरा का पूरा रिफ्लेक्टर बेस्ड हेडलैम्प्स आपको इसमें मिल जाती है, क्योंकि मतलब हेडलैम्प काफ़ी बड़ी साइज़ में आपको मिल जाती है। इसकी फॉग लैम्प्स तो अब बिल्कुल गायब हो चुके हैं, पर ये जो इसका एरिया है ये एक मतलब बॉडी किट टाइप की लगेगी आपको, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है ये और क्वालिटी काफ़ी अच्छी इंप्रूव करी है हमारी ना, आप लोग चेक करो। मतलब एक प्रैक्टिकली वे में आप लोग दबाओगे इसे तो आप लोगों को दिखेगा कि काफ़ी मतलब अच्छा बिल्ड क्वालिटी में गाड़ी आती है। तो फ्रंट से तो बस इतना ही, बाकी चलते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ। सबसे पहले साइड से अगर बात करेंगे तो सबसे पहले ऑल्टो में आपको मिलते थे वही 12 इंच के स्टील व्हील्स और इसमें आपको कंपनी ने अपग्रेड कर चुकी है कंपनी, इसमें आपको टायर साइज मिलता है 145/80R13, 13 इंच का अपग्रेड हो चुका है इसमें, 1 इंच का साइज आपको बढ़ के दे रही है कंपनी, ये वही ब्लैक कलर के स्टील व्हील। अगर आप लोग इससे LXI में आओगे तो आपको वही सिल्वर कलर में स्टील व्हील्स मिलेंगे, एक्सेसरीज में आपको यहाँ पे व्हील कैप्स मिल जाएंगे। तो साइज भी बच चुके आपका टायर का, बॉडी कलर्स डोर हैंडल्स आपको इसमें मिल जाएंगे, ऊपर कोई भी रूफ रेल्स नहीं मिलती है, यहाँ पे एंटीना आपको मिल जाता है। और मेन चीज़ जो है पहले जो आपको ऑल्टो में सिर्फ नीचे ही नीचे देखने को मिलती थी, आपके सामने ऑल्टो आप लोग चेक करते हो नीचे से एक लाइनिंग जाती थी, अब आपको ऊपर से पूरी की पूरी एक स्लीक डिज़ाइन में लाइनिंग जाती है जो कि काफ़ी अच्छी लगती है। साइज चेकआउट करो आप लोग गाड़ी का, मतलब मारुति की एंट्री सेगमेंट की गाड़ी है ये, तो यही है जो मारुति का मार्केट बना के रख रही है। कुछ साइड से रेयर प्रोफाइल मिलती है गाड़ी की पूरी मतलब पूरा गाड़ी का लुक्स और डायमेंशन चेंज कर दिया मारुति ने, ये पूरा थोड़ा कुछ हद तक आपको एस्प्रेसो आती है गाड़ी उसकी तरह दिखेंगी आपको। यहाँ पे आपको इंडिकेटर की पोजीशनिंग मिल जाती है, नीचे आपको ब्रेक लैंप या आपकी रिवर्स लाइट मिल जाती है, ये पूरा रिफ्लेक्टर मिल जाता है। सेफ्टी में अगर बात करेंगे तो ABS, EBD, एयरबैग, सीट रिमाइंडर, सीट बेल्ट रिमाइंडर जैसे काफ़ी ज़्यादा फीचर आपको इसमें मिल जाएंगे। तो यहाँ पे सुजुकी का लोगो मिल जाता है आपको, यहाँ पे ऑल्टो K10 की बैजिंग जो कि कंपनी बहुत टाइम से मिस कर रही थी। तो हम आ चुके हैं अभी रियर साइड में, तो यहाँ पे आपको एक हाई माउंटेड स्टॉप लैंप मिल जाता है, कोई भी रियर वाइपर विद डिफॉगर आपको नहीं मिलता है इस गाड़ी में। हालांकि यहाँ पे आपको 2 सेंसर मिल जाते हैं रिवर्स पार्किंग, यहाँ पे आपको नंबर प्लेट लाइट्स मिल जाएंगी, तो कलर काफ़ी अच्छा इनहेंस हो गया रहा है। तो आप लोग वीडियो को ऐसे इन्जॉय करते रहिए और गाड़ी कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना मुझे, आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत चल रही है गाड़ियों पर।
तो चलते हैं इंटीरियर की तरफ, जो कि इसका मेन प्लस पॉइंट है। सबसे पहले तो आप लोग की चेक कर लो इसकी, कुछ इस टाइप की आपको इसमें मिलती है, मतलब मैन्युअली वाली सेंटर लॉकिंग आपको इसमें मिल जाएगी, कोई भी की वाली रिमोट वाली सेंटर लॉकिंग आपको इसमें नहीं मिलती। ये वाली हालांकि ज़रूर मिलेगी, आप लोग चेक कर सकते हो। तो बस इस पर रिमोट लगवाना है आपको, और कुछ भी नहीं करना है। तो यार डोर भी आपका 3 स्टेप्स में खुलता है, आप लोग चेक कर सकते हो, मतलब ये बीच में रुकता है, ऐसा नहीं कि नहीं रुकता है, पहले वाला जो नहीं रुकता था अब ये 3 स्टेप में खुलता है डोर। तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट करा है मुझे लगता है गाड़ी में, पूरा का पूरा इंटीरियर चेंज कर दिया उन्होंने गाड़ी का। यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो, मैट ब्लैक में डोर हैंडल्स आपको मिल जाते हैं, कोई भी यहाँ पे पावर विंडो का ऑप्शन नहीं मिलता आपको, और पावर विंडो आप दूसरी जगह पे शिफ्ट हो चुके हैं। यहाँ पे सबसे मेन अपग्रेड जो है आपको म्यूजिक सिस्टम में मिलता है, 4 स्पीकर का म्यूजिक सिस्टम आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है, जो कि काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी प्रोड्यूस करता है। और सबसे मेन बात जो है, आपको अब ऑल्टो में भी बॉटल होल्डर मिल जाते हैं 1 लीटर के, जो कि आपको कहीं भी नहीं मिलते थे पहले। सीट में कोई भी हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलता, रिक्लाइन का फंक्शन मिल जाता है। हालांकि यहाँ पे आपके बूट और फ्यूल टैंक खोलने का ऑप्शन, एक बार बूट खोल के दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो यार कुछ इस टाइप का साइज आपको मिल जाएगा इसमें, काफ़ी ज़्यादा मतलब तकरीबन उस ऑल्टो से थोड़ा बहुत ज़्यादा, लेकिन डीपर जो साइज़ मिल जाएगा आपको तकरीबन 215 से 220 लीटर्स का बूट स्पेस आपको इसमें मिल जाएगा। इसको कर देते हैं बंद, बाकी चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। तो कुछ इस टाइप का इंटीरियर आपको इसमें मिलता है। तो भैया ये है न्यू जनरेशन ऑल्टो K10। तो सबसे पहली मेन चीज़ जो मुझे नोटिस हो रही है यार, सीट की कुशनिंग काफ़ी अच्छी कर दी है इन लोगों ने, आप लोग चेक करो यहाँ पे, मतलब काफ़ी अच्छा साइड से सपोर्ट दे दिया है, थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा है, मतलब पहले वाली ऑल्टो में इतना सपोर्ट आपको मिलता नहीं था जैसा अब मिल रहा है आपको, पर ये बहुत ही अच्छी बात है, लॉन्ग रूट्स में अब आपको अच्छा कम्फर्ट मिलने वाला है ऑल्टो में। तो सबसे पहले मीटर की बात करते हैं, तो ये मीटर आपको कुछ हद तक एस्प्रेसो की याद दिलाएगा, मतलब एस्प्रेसो वाला मीटर आपको यहाँ मिलता है। आप कुछ इस टाइप से यहाँ पे एक डिस्प्ले मिल जाती है छोटी सी, तो इंटीरियर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। यहाँ पे कोई भी एडजस्टेबल IRVM नहीं मिलेगा, सिंगल उसमें मिलेगा ही। यहाँ पे कोई भी वैनिटी मिरर नहीं मिलता, यहाँ पे डोर लैम्प्स, यहाँ पे कोई भी टिकट होल्डर आपको नहीं मिलता इसमें, लेकिन स्टेयरिंग जो है भाई बहुत अच्छा मिलता आपको इसमें। आप मतलब अगर VXi+ में जाओगे, टॉप एंड वेरियंट में जाओगे, तो यहाँ पर आपको स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स में मिलने लगेंगे। यहाँ पे 4 AC vents, और इन केस अगर आपको एडिशनली कोई फीचर लगाने हैं तो आप लोग यहाँ पे अपने वो लगा सकते हो, कोई भी ORVMs की कंट्रोल या फिर कोई भी एक्स्ट्रा स्विच लगा सकते हो। हालांकि यहाँ पे ORVMs के एडजस्टेबल आता है, ये रहा आपका हेडलाइट एडजस्टेबल, लेवल एडजस्टेबल कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो आप इसे। ये रहे AC vents, और ये रहा हमारा भाई अजय पुरोहित। तो यहाँ पे आपको हैजार्ड के स्विच मिल जाते हैं, यहाँ पे 2 पावर विंडो के स्विच मिल जाएंगे। पहले आपको पावर विंडो जो मिलती थी यहाँ पे मिलती थी, अब जो है यहाँ मिलती है आपको पावर विंडो। तो ग्लव बॉक्स की अगर बात करेंगे तो कुछ इस साइज का ग्लव बॉक्स आपको इसमें मिलता है, मतलब डीप है काफ़ी, नॉर्मल ऑल्टो से तो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपको एयरबैग का फंक्शन मिल जाएगा, तो 2 एयरबैग आपको इसमें मिल जाते हैं, ABS, ABD, काफ़ी ज़्यादा फंक्शन मिल जाते हैं, सारे के सारे सेफ्टी वाले फंक्शन। मैन्युअली एडजस्टेबल AC आपको इसमें मिल जाएगा, ये रहा AC के कंट्रोल्स। यहाँ पे 12 वोल्ट का पावर सॉकेट आपको इसमें मिल जाएगा, हालांकि दिख नहीं रहा होगा आपको अभी क्योंकि थोड़ा अंधेरा सा हो गया। तो यार ओवरऑल इंटीरियर काफ़ी अच्छा है गाड़ी का, मतलब साइज़ भरपूर है गाड़ी में, साइज़ में नो डाउट कोई भी ऐसी कमी नहीं है गाड़ी की साइज़ में। कुछ इस टाइप का हॉर्न आपको इसमें देखने को मिलेगा, और मीटर कंसोल आप लोग चेकआउट करिए। तो इस गाड़ी की एक शोरूम प्राइस तकरीबन 4.99 लाख रुपीस होती है, जो कि काफ़ी डिसेंट है, मतलब थोड़ा बच चुकी है, पर पुरानी वाली ऑल्टो से तो काफ़ी अच्छा, आपको इतना अच्छा पावर मिल रहा है, इतना अच्छा पूरा का पूरा स्पेस मिल रहा है गाड़ी में, तो थोड़ा प्राइसिंग भी बढ़ेगी। रियर से अगर बात करेंगे तो कुछ इस टाइप का रियर से इंटीरियर आपको मिल जाता है। पीछे के दरवाजों पे भी आपको यहाँ पे स्पीकर का प्लेसिंग मिल जाता है, स्पीकर भी मिल जाता है, हालांकि यहाँ पे मैन्युअली एडजस्टेबल विंडो। यहाँ पे पीछे की सीट पे आपको फिक्स हेडरेस मिल जाएंगे, बेस वेरिएंट में LXi में आपको पूरी बेंच सीट मिलती है, ये आपके सीट बेल्ट, और थाई सपोर्ट देख सकते हो आप, काफ़ी अच्छा, मतलब यार स्पेसिंग के मामले में बहुत अच्छा इम्प्रूव किया मारुति ने,
पहले जो स्पेसिंग आपको नहीं मिलती थी अब वो स्पेसिंग आपको मिलने लग गई है। कुछ सेल्फ देते हैं रेयर की सीट से आपका डैशबोर्ड नाइट के टाइम पे काफी अच्छा है। बस आपको सीट की कुशनिंग बहुत अच्छी मिल जाती है, मेन जो मुझे अच्छा लगा। अब गाड़ी चलाने में आपको अच्छा भी लगेगा, मज़ा भी आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कोई वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और साथ साथ मेरे इंस्टाग्राम में फॉलो कर देना। तो गाड़ी को लेके आप लोगों के जो भी सवाल है आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। इसका अभी VXi+ वेरियंट भी लाऊंगा आप लोगों के लिए मैं।